बांग्लादेश में 3 रेलवे ट्रैक क्यों बनाए जाते हैं? तो आपको बता दें, पुराने समय में कई देशों में मीटर गेज ट्रेन चला करती थी, जिसे इंडिया में हम छोटी लाइन के नाम से जानते हैं। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, सभी देश छोटी पटरी को छोड़कर बड़ी पटरी का इस्तेमाल करने लगे। इसको बदलने के लिए पटरी और ट्रेन को अपग्रेड करना पड़ा। लेकिन बांग्लादेश के पास इतना पैसा नहीं है कि वह ज़्यादा पैसे खर्च करके इनको बदल सके, जिसके चलते इन्होंने पुरानी ट्रेन को बदलने के बजाय पुराने ट्रैक के साथ एक और लाइन को जोड़ दिया, ताकि यहाँ पुरानी ट्रेन के साथ साथ नई ट्रेन भी चलती रहे। मिलिए भारत की पहली नेत्रहीन महिला आईएएस ऑफिसर से, जिनका नाम प्रांजल पाटिल है। आपको जानकर हैरानी होगा कि इनकी आंखों की रोशनी बचपन से ही कमजोर थी, और जब यह 6 साल की थी तो इनके एक दोस्त ने इनकी आंखों में पेड़ मारकर उसे और भी घायल कर दिया था। और ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ने यह भी कह दिया था कि हो सकता है आगे चलकर इनकी दूसरी आँख की रोशनी भी जा सकती है, जो बिल्कुल सही साबित हुआ। लेकिन प्रांजल मैम का कहना है कि मैं इस चैलेंज को सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी समझा और अपने हौसले और हिम्मत को नहीं हारा। बताते हैं फ्रेंड, 2016 में इन्होंने पहले ही प्रयास में 773 रैंक हासिल कर देश की पहली नेत्रहीन महिला आईएएस ऑफिसर होने का गौरव हासिल की। यह है केरला के रहने वाले अबीस डैमिक, जो अपने इन हथौड़ों जैसे हाथों से किसी भी चीज को तोड़ सकते हैं, चाहे नारियल हो या फिर पत्थर, या बड़े ही आसानी से उसके दो टुकड़े कर देते हैं। और इनका यह हाथ इतना ताकतवर इसलिए है क्योंकि यह घंटों तक मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते रहते हैं। इन्होंने 2017 में 1 मिनट में 122 नारियल तोड़ने का एक बेहतरीन वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था, और यह कॉलेज में एक पीटी टीचर भी है। इनके लिए एक लाइन तो बनता है। इस इंसान ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि जिसे देख आप भी हैरान हो जाएंगे। आपने अप मूवी जरूर देखी होगी, जिसमें इंसान बैलून की मदद से अपने घर को आसमान में उड़ा ले जाता है। लेकिन ऐसा ही कुछ कर दिखाया इस इंसान ने। बता दें, इसने भी अपने घर को बैलून की मदद से आसमान में उड़ा ले गया, और आसमान में अपने घर के अंदर बैठकर इस दुनिया के नजारा को देखने लगा। इसके लिए एक लाइक तो बनता है। क्या आपने यह कभी सोचा है कि भारत सरकार खूब सारा पैसा छाप कर लोगों को अमीर क्यों नहीं बना देती है? तो आपको बता दें, सरकार ज़्यादा पैसा छापने लगी और लोगों के पास ज़्यादा पैसा आने लगे तो लोगों के डिमांड भी शुरू हो जाएंगे, और लोग अपने मनपसंद चीज़ों को खरीदने के लिए 2-3 गुना पैसा देकर उसे खरीदना चाहेंगे, जिससे महंगाई भी बढ़ती चली जाएगी और देश की अर्थव्यवस्था भी चौपट हो जाएगी। क्योंकि ठीक ऐसा ही काम जिम्बाब्वे जैसे देश पहले कर चुकी है, जिसकी हालत आज आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप जंगल में जाते हैं तो आपको इन शेरों से जरूर बचना चाहिए, जिनके दांत टूटे हुए होते हैं। और आखिर ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं। जब एक शेर का दांत टूट जाता है तो नर्म चीजों को ढूंढने लग जाता है, ताकि उसे खाने में कोई मशक्कत ना पड़े, क्योंकि जंगली जानवरों की चमड़ी काफी मोटी होती है, इसे बिना दांतों को चीर फाड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में इंसान इन शेरों के लिए आसान टारगेट बन जाते हैं, इसलिए इन शेरों से जंगल में बचना काफी जरूरी होता है। राजस्थान के बीकानेर में करणी देवी का एक ऐसा मंदिर है जहाँ 20,000 काले चूहे रहते हैं, और लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामना पूरी करने आते हैं। करणी देवी जी ने दुर्गा का अवतार माना जाता है। इस मंदिर में इतने चूहे हैं कि आपको पांव घिसड़कर चलना पड़ता है। इतना ही नहीं, इन चूहों को बाकायदा भोजन कराया जाता है और सुरक्षा भी की जाती है। और ऐसा भी कहा जाता है, अगर एक चूहा आपके पैर के ऊपर से होकर गुजर जाता है तो समझो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मिलिए दिल्ली के रहने वाले 76 साल के हरजिंदर सिंह से, जो एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, जिन्होंने 1978 से अपने रिक्शा को एक एम्बुलेंस बनाकर रखा है। बता दें, हरजिंदर सिंह जब भी किसी घायल या बीमार व्यक्ति को देखते हैं, उसे अपने ऑटो में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं, और ऐसा करने के लिए उस व्यक्ति से 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। हरजिंदर सिंह का कहना है कि यह सब तब तक चलते रहेगा जब तक हम जिंदा हैं। इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है। संग्राम चोगले भारत के सबसे खतरनाक बॉडी बिल्डरों में से एक है, जिन्होंने अपने दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद अपनी उत्कर्ष बॉडी बनाई है। और आपको बताते, संग्राम चोगले 6 बार मिस्टर इंडिया और 5 बार मिस्टर महाराष्ट्र का खिताब भी जीत चुके हैं, और आज के समय में संग्राम चोगले कई बड़ी बड़ी कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर भी बन चुके हैं, और यह कम से कम 10 जिम के मालिक भी है। दंगल फिल्म में काम करने वाली जायरा खान को आप जानते ही होंगे, लेकिन आजकल यह लड़की कहाँ और क्या कर रही है, चलिए जानते हैं। बताते, जायरा ने अपनी
पहली फिल्म दंगल के सक्सेस होने के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, क्योंकि इनका मानना था कि इस इंडस्ट्री में काम करना इनके धर्म के खिलाफ है और यह कभी भी फिल्मी दुनिया में वापस लौट कर नहीं आएंगी। और अभी फिलहाल जारा पेंटिंग्स क्राफ्ट सीख रही है, जिसकी एक झलक इन्होंने सोशल मीडिया पर डाल रखी है।